आपको बांग्लादेश फाइल्स के जरिए बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी है और वहां पर जो हिंदू रह रहे हैं उन्हीं को अल्पसंख्यक कहा जाता है। ऐसे में उनके साथ लगातार बुरा व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, हिंसा के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जो भी उन वीडियो को देख रहा है हर किसी की रूह कांप जा रही है। आपको बता दें कैसे उन हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जाता है वहां पर रह रहे कट्टरपंथियों की बातों को मानने के लिए, और वो हिंसा के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसको लेकर इंडी गठबंधन भी चुप है। भारत बांग्लादेश सीमा पर हजारों हिंदू जमा हुए हैं। हमने आपको अब से कुछ देर पहले तस्वीरें भी दिखाई थी कैसे हजारों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदू भारत बांग्लादेश की सीमा पर डटे हुए हैं। बॉर्डर पर ही रोके गए हैं शरण मांगने वाले हिंदू, उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। हिंसा रोकने में बांग्लादेश की सरकार नाकाम है। उस सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस हिंसा को कंट्रोल क्यों नहीं किया। आपको बता दें मोहम्मद यूनुस की आज जो अपील है वो हिंसा रुके वरना मामला और गड़बड़ाएगा। भारत के गृह मंत्रालय ने मामले पर कमेटी बनाई है, लगातार नजर बनाए हुए हैं। हसीना के बेटे का दावा है कि हिंसा के पीछे आईएसआई की साजिश है। वहीं हमलों के खिलाफ ढाका में हिंदुओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। हिंदू इंसाफ की मांग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस अत्याचार पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल रोक लगाई जाए, और इतना ही नहीं हिंसा के खिलाफ ढाका में अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, विरोध जताया जा रहा है। हजारों की संख्या में हिंदुओं ने सड़क पर उतरकर आवाज उठाई है, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उनके घर जला दिए गए हैं, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। हमने आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाई कैसे एक लड़की को जबरन उठाकर उपद्रवी ले जाते हैं, एक शख्स अपनी जान जाने के लिए तालाब में कूद जाता है और तब तक उपद्रवी पत्थरबाजी करते रहते हैं जब तक उसकी जान नहीं चली जाती है। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हालात बने दिखाई दे रहे हैं। ढाका में हिंसा के खिलाफ भी अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जहां अल्पसंख्यकों ने हिंदुओं ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। तो चलिए अब आपको सुनवाएंगे कि शेख हसीना के बेटे का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से ये साजिश रची गई, कि इसके पीछे किसका हाथ है और कैसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। साजिद वजीब का क्या कुछ कहना है आप सुनिए। I strongly suspect ISI. If you notice that the protests really did not, there was no reason for the protests in the first place to continue because the quotas were not mandated by our government. The quotas were restored by the courts, by a court ruling. Our government never ordered anyone to attack. Our government never ordered the police to use live ammunition. They increased the demand to resignation of the government. And once they did that, they started attacking the police. Now, they were attacking the police with firearms, with weapons. Where did these weapons come from? Hundreds, if not thousands of them would have been killed. It would have been a massacre. And my mother did not want a massacre. That is why she left. महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने का मामला, जांच के लिए बनी कमेटी पर अमित मालवीय ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। 11 सदस्य टीम में इंटर्न की क्या जरूरत थी, इंटर्न क्यों थी, ये सवाल उन्होंने पूछा है। अमित मालवीय ने कहा कमेटी से जुड़े कई लोग टीएमसी से जुड़े हुए हैं, जांच पूरी तरह से दिखावा है। अमित मालवीय ने सवाल पूछे हैं। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया कोलकाता मामले पर, अब शख्स हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अमित मालवीय ने कई सवाल पूछ लिए हैं। पूछा है कि जब जांच टीम का गठन हुआ था तो उसमें एक महिला इंटर्न की जरूरत क्या थी, वहीं जो परिवार वाले हैं उनका कहना है वो आशंका जता रहे हैं रेप की और हत्या की, इस पूरे मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको कुछ दिखा रहे हैं, हंगामे की तस्वीरें भी वहां से सामने आई हैं। परिवार को रेप के बाद हत्या का शक है और वो जांच की मांग कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता अस्पताल में डॉक्टर का शव मिलने का मामला, महिला डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया, परिवार ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है, सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव संदिग्ध हालत में मिला था, शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। ये आपको बता दें कोलकाता अस्पताल में डॉक्टर का शव मिलने का पूरा मामला है, महिला डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया है
कि परिवार ने कह रहा है कि रेप के बाद हत्या की गई है। पहले महिला डॉक्टर का रेप किया जाता है और फिर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ परिजन आरोप लगा रहे हैं, वहीं कोलकाता मामले पर एक शख्स हिरासत में ले लिया गया है। इस शख्स को हिरासत में लिया गया, पूछताछ हो रही है। कोलकाता पुलिस थाने में पूछताछ में जुटी हुई है और पूछा जा रहा है जब टीम गठित हुई थी फिर आगे क्या कुछ कदम उठाए गए थे। इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसको लेकर जांच की जा रही है। संदिग्ध हालत में शव मिला था, परिवार को रेप के बाद हत्या का शक है। वहीं इस पूरे मामले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। हंगामे की तस्वीर भी सामने आई थी, ये वही शख्स तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और हर पहलू से हर एंगल से पूछताछ में टीम जुटी हुई है। अमित मालवीय ने भी इस पूरे मामले में अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि महिला इंटर्न की आखिर जरूरत थी क्या। आपको बांग्लादेश फाइल्स के जरिए बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी है और वहां पर जो हिंदू रह रहे हैं उन्हीं को अल्पसंख्यक कहा जाता है। ऐसे में उनके साथ लगातार बुरा व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, हिंसा के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। जो भी उन वीडियो उसको देख रहा है हर किसी की रूह कांप जा रही है। आपको बता दें कैसे उन हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जाता है वहां पर रह रहे कट्टरपंथियों की बातों को मानने के लिए, और वो हिंसा के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसको लेकर इंडी गठबंधन भी चुप है। भारत बांग्लादेश सीमा पर हजारों हिंदू जमा हुए हैं। हमने आपको अब से कुछ देर पहले तस्वीरें भी दिखाई थी कैसे हजारों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदू भारत बांग्लादेश की सीमा पर डटे हुए हैं। बॉर्डर पर ही रोके गए हैं शरण मांगने वाले हिंदू, उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। हिंसा रोकने में बांग्लादेश की सरकार नाकाम है। उस सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे कि आखिर इस हिंसा को कंट्रोल क्यों नहीं किया। आपको बता दें मोहम्मद यूनुस की आज जो अपील है वो हिंसा रुके वरना मामला और गड़बड़ाएगा। भारत के गृह मंत्रालय ने मामले पर कमेटी बनाई है, लगातार नजर बनाए हुए हैं। हसीना के बेटे का दावा है कि हिंसा के पीछे आईएसआई की साजिश है। वहीं हमलों के खिलाफ ढाका में हिंदुओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। हिंदू इंसाफ की मांग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस अत्याचार पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल रोक लगाई जाए और इतना ही नहीं हिंसा के खिलाफ ढाका में अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, विरोध जताया जा रहा है। हजारों की संख्या में हिंदुओं ने सड़क पर उतरकर आवाज उठाई है, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उनके घर जला दिए गए हैं, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। हमने आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाई कैसे एक लड़की को जबरन उठाकर उपद्रवी ले जाते हैं, एक शख्स अपनी जान आने के लिए तालाब में कूद जाता है और तब तक उपद्रवी पत्थरबाजी करते रहते हैं जब तक उसकी जान नहीं चली जाती है। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हालात बने दिखाई दे रहे हैं। ढाका में हिंसा के खिलाफ भी अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जहां अल्पसंख्यकों ने हिंदुओं ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। तो चलिए अब आपको सुनवाएंगे कि शेख हसीना के बेटे का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से ये साजिश रची गई, कि इसके पीछे किसका हाथ है और कैसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है। साजिद वजीर का क्या कुछ कहना है आप सुनिए। I strongly suspect ISI. If you notice that the protests really did not, there was no reason for the protests in the first place to continue because the quotas were not mandated by our government. The quotas were restored by the courts, by a court ruling. Our government never ordered anyone to attack. Our government never ordered the police to use live ammunition. They increased the demand to resignation of the government. And once they did that, they started attacking the police. Now, they were attacking the police with firearms, with weapons. Where did these weapons come from? Hundreds, if not thousands of them would have been killed. It would have been a massacre. And my mother did not want a massacre. That is why she left. महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने का मामला, जांच के लिए बनी कमेटी पर अमित मालवीय ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। 11 सदस्य टीम में इंटर्न की क्या जरूरत थी, इंटर्न क्यों थी, ये सवाल उन्होंने पूछा है। अमित मालवीय ने कहा कमेटी से जुड़े कई लोग टीएमसी से जुड़े हुए हैं, जांच पूरी तरह से दिखावा है। अमित मालवीय ने सवाल पूछे हैं। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया कोलकाता मामले पर, अब शख्स हिरासत में ले लिया गया है लेकिन अमित मालवीय ने कई सवाल पूछ लिए हैं। पूछा है कि जब जांच
टीम का गठन हुआ था तो उसमें एक महिला इंटर्न की जरूरत क्या थी, वहीं जो परिवार वाले हैं उनका कहना है वो आशंका जता रहे हैं रेप की और हत्या की, इस पूरे मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको कुछ दिखा रहे हैं, हंगामे की तस्वीरें भी वहां से सामने आई हैं। परिवार को रेप के बाद हत्या का शक है और वो जांच की मांग कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता अस्पताल में डॉक्टर का शव मिलने का मामला, महिला डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया, परिवार ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है, सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव संदिग्ध हालत में मिला था, शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। ये आपको बता दें, कोलकाता अस्पताल में डॉक्टर का शव मिलने का पूरा मामला है, महिला डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया है कि परिवार ने कह रहा है कि रेप के बाद हत्या की गई है, पहले महिला डॉक्टर का रेप किया जाता है और फिर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी जाती है, सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ परिजन आरोप लगा रहे हैं, वहीं कोलकाता मामले पर एक शख्स हिरासत में ले लिया गया है, इस शख्स को हिरासत में लिया गया, पूछताछ हो रही है, कोलकाता पुलिस थाने में पूछताछ में जुटी हुई है और पूछा जा रहा है, जब टीम गठित हुई थी फिर आगे क्या कुछ कदम उठाए गए, इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसको लेकर जांच की जा रही है। संदिग्ध हालत में शव मिला था, परिवार को रेप के बाद हत्या का शक है, वहीं इस पूरे मामले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, हंगामे की तस्वीर भी सामने आई थी, ये वही शख्स तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और हर पहलू से हर एंगल से पूछताछ में टीम जुटी हुई है। अमित मालवीय ने भी इस पूरे मामले में अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि महिला इंटर्न की आखिर जरूरत थी क्या। आपको बांग्लादेश फाइल्स के जरिए बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार जारी है और वहां पर जो हिंदू रह रहे हैं उन्हीं को अल्पसंख्यक कहा जाता है, ऐसे में उनके साथ लगातार बुरा व्यवहार किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, हिंसा के वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो भी उन वीडियो उसको देख रहा है हर किसी की रूह कांप जा रही है। आपको बता दें कैसे उन हिंदुओं के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनको मजबूर किया जाता है वहां पर रह रहे कट्टरपंथियों की बातों को मानने के लिए, और वो हिंसा के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जिसको लेकर इंडी गठबंधन भी चुप है। भारत बांग्लादेश सीमा पर हजारों हिंदू जमा हुए हैं, हमने आपको अब से कुछ देर पहले तस्वीरें भी दिखाई थी कैसे हजारों की तादाद में बांग्लादेशी हिंदू भारत बांग्लादेश की सीमा पर डटे हुए हैं, बॉर्डर पर ही रोके गए हैं शरण मांगने वाले हिंदू, उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है, हिंसा रोकने में बांग्लादेश की सरकार नाकाम है, उस सरकार के ऊपर सवाल उठ रहे कि आखिर इस हिंसा को कंट्रोल क्यों नहीं किया। आपको बता दें मोहम्मद यूनुस की आज जो अपील है वो हिंसा रुके वरना मामला और गड़बड़ाएगा, भारत के गृह मंत्रालय ने मामले पर कमेटी बनाई है, लगातार नजर बनाए हुए हैं, हसीना के बेटे का दावा है कि हिंसा के पीछे आईएसआई की साजिश है, वहीं हमलों के खिलाफ ढाका में हिंदुओं का प्रदर्शन लगातार जारी है, हिंदू इंसाफ की मांग कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और उनका कहना है कि इस अत्याचार पर रोक लगाई जाए। बिल्कुल रोक लगाई जाए और इतना ही नहीं, हिंसा के खिलाफ ढाका में अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, विरोध जताया जा रहा है, हजारों की संख्या में हिंदुओं ने सड़क पर उतरकर आवाज उठाई है, प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उनके घर जला दिए गए हैं, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है। हमने आपको तमाम वो तस्वीरें दिखाई कैसे एक लड़की को जबरन उठाकर उपद्रवी ले जाते हैं, एक शख्स अपनी जान बचाने के लिए तालाब में कूद जाता है और तब तक उपद्रवी पत्थरबाजी करते रहते हैं जब तक उसकी जान नहीं चली जाती है। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हालात बने दिखाई दे रहे हैं, ढाका में हिंसा के खिलाफ भी अब प्रदर्शन देखने को मिल रहा है जहां अल्पसंख्यकों ने हिंदुओं ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी है। तो चलिए अब आपको सुनवाएंगे कि शेख हसीना के बेटे का क्या कुछ कहना है, किस तरीके से ये साजिश रची गई, कि इसके पीछे किसका हाथ है और कैसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, साजिद वजीर का क्या कुछ कहना है आप सुनिए। I strongly suspect ISI. If you notice that the protests really did not, there was no reason for the protests in the first place to continue because the quotas were not mandated by our government. The quotas were restored by the courts, by a court ruling. Our government never ordered anyone to attack. Our government never ordered the police to use live ammunition.
they increased the demand to resignation of the government. And once they did that, they started attacking the police. Now, they were attacking the police with firearms, with weapons. Where did these weapons come from? Hundreds, if not thousands of them would have been killed. It would have been a massacre. And my mother did not want a massacre. That is why she left. महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने का मामला जांच के लिए बनी कमेटी पर अमित मालवीय ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। 11 सदस्य टीम में इंटर्न की क्या जरूरत थी, इंटर्न क्यों थी, ये सवाल उन्होंने पूछा है। अमित मालवीय ने कहा कमेटी से जुड़े कई लोग टीएमसी से जुड़े हुए हैं, जांच पूरी तरह से दिखावा है। अमित मालवीय ने सवाल पूछे हैं। दरअसल ये पूरा मामला सामने आया कोलकाता मामले पर, अब शख्स हिरासत में ले लिया गया है, लेकिन अमित मालवीय ने कई सवाल पूछ लिए हैं। पूछा है कि जब जांच टीम का गठन हुआ था तो उसमें एक महिला इंटर्न की जरूरत क्या थी, वहीं जो परिवार वाले हैं उनका कहना है वो आशंका जता रहे हैं रेप की और हत्या की, इस पूरे मामले में जांच की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको कुछ दिखा रहे हैं, हंगामे की तस्वीरें भी वहां से सामने आई हैं। परिवार को रेप के बाद हत्या का शक है और वो जांच की मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता अस्पताल में डॉक्टर का शव मिलने का मामला, महिला डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया, परिवार ने रेप के बाद हत्या की आशंका जताई है, सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी बिल्डिंग के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव संदिग्ध हालत में मिला था, शरीर पर चोट के कई निशान मिले हैं। ये आपको बता दें कोलकाता अस्पताल में डॉक्टर का शव मिलने का पूरा मामला है, महिला डॉक्टर के पिता ने आरोप लगाया है कि परिवार ने कहना है कि रेप के बाद हत्या की गई है, पहले महिला डॉक्टर का रेप किया जाता है और फिर उसकी दर्दनाक हत्या कर दी जाती है, सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ परिजन आरोप लगा रहे हैं, वहीं कोलकाता मामले पर एक शख्स हिरासत में ले लिया गया है, इस शख्स को हिरासत में लिया गया, पूछताछ हो रही है, कोलकाता पुलिस थाने में पूछताछ में जुटी हुई है और पूछा जा रहा है जब टीम गठित हुई थी फिर आगे क्या कुछ कदम उठाए गए थे, इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसको लेकर जांच की जा रही है। संदिग्ध हालत में शव मिला था, परिवार को रेप के बाद हत्या का शक है, वहीं इस पूरे मामले में एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है, हंगामे की तस्वीर भी सामने आई थी, ये वही शख्स तस्वीरों में आप देख रहे हैं जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और हर पहलू से हर एंगल से पूछताछ में टीम जुटी हुई है। अमित मालवीय ने भी इस पूरे मामले में अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि महिला इंटर्न की आखिर जरूरत थी क्या।